हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेश राजपूत है और आज मैं मेरा इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट शेयर करने वाला हूँ यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन की। मैंने एक बार इंटरव्यू अपीयर किया है और मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन जो मेरा इंटरव्यू के जो मार्क्स है वो 93 मार्क्स हैं। तो आई थिंक एक अच्छा सजेशंस मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ इंटरव्यू के बारे में। एट द सेम टाइम एग्जामिनेशन के बारे में ही थोड़ा बोलना चाहूँगा। तो सबसे पहले बात जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि क्या मिथ्स हैं इंटरव्यू के बारे में, स्पेशली असिस्टेंट कमांडेंट की जो इंटरव्यू होती है उसके लिए। सबसे बड़े मिथ्स जो हमारे टाइम में भी थे और अभी भी मैंने जब वीडियोस चेक किए कुछ, तो ज़्यादातर जो डिस्कशन होता है वो ऐसी चीज़ों पे होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में आपका डैफ है, आपका नॉलेज है और आपकी पर्सनैलिटी है। और पर्सनैलिटी ये वन गो चेंज नहीं होती है। तो बेटर ऑप्शंस क्या रह सकते हैं जब आप इंटरव्यू के लिए अपीयर्ड होते हो? और ये आप दिमाग में से निकाल दीजिए कि आप इंटरव्यू बोर्ड को डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम गारंटी नहीं ले सकते कि इंटरव्यू बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली आपके डैफ पे ही रहेंगे या अदर देन डैफ पूछे जाएंगे। जैसे अभी मेरा जो इंटरव्यू हुआ था उसमें मेरे एक भी डैफ पे क्वेश्चन पूछा नहीं गया था। तो डिपेंड करता है, पार्शली हो सकता है या फिर कम्प्लीटली हो सकता है। आपका जो काम रहेगा वो यही रहेगा कि आपका डैफ मेजोरिटी जो है वो आप क्लियर करके रखिए। डैफ में जो जो चीज़ें आपने भर के रखी हैं वो आपको उसके आंसर्स आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि वो आपकी इंफॉर्मेशन है। तो डेफिनेटली आपके बारे में ही आपको पता नहीं है तो थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है इंटरव्यू के टाइम पे। इसके अलावा आपकी स्टडीज़ कंटिन्यू रखिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने जो फेस किया था वो ये था कि जब मैं इंटरव्यू के लिए अपीयर्ड था उसके बाद मेरे पास एक और अटेम्प्ट था, लेकिन मैं इंटरव्यू के प्रिपरेशन या उस माहौल में इतना ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व करके रखा था कि मैंने अगले अटेम्प्ट की तैयारी ही नहीं की। और एट द एंड जब रिज़ल्ट आया तो इंटरव्यू में मेरे स्कोर डिसेंट थे, और जब इंटरव्यू दिया तो मुझे ऐसा लगा कि इसके लिए इतनी मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं थी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर था वो था रिटर्न, जो एक्चुअली अच्छे से प्रिपेयर करना ज़रूरी था। तो आई होप यहाँ पे दो टाइप के लोग होंगे, एक जो अभी इस साल इंटरव्यू में रहेंगे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एंड कुछ ऐसे एस्पिरेंट होंगे कि जो आगे अगले अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो दोनों ग्रुप्स को एक सजेशन रहेगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखिए नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। उसके दो फायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। अगर एट द एंड अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं रहता है तो आपके पास आपके अगले अटेम्प्ट की तैयारी पूरी रहने वाली है। इस अटेम्प्ट में आपके रिटर्न में अगर कोई कम मार्क्स आ रहे हैं, आपको पता चला कि पर्टिकुलर एरिया स्ट्रॉन्ग करके रखते थे तो आपको बेटर स्कोर हो सकता था, तो आप अभी से तैयारी रखिए। सेकेंड फ़ायदा इसका यह है कि इंटरव्यू में कुछ रैंडमली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बेसिक सब्जेक्ट से, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी जो है, तो आपको वहाँ पे भी फ़ायदा होगा। इंटरव्यू में जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है आपके जो माइंडसेट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कितने रैशनल रहते हो? ठीक है, अभी रैशनल रहने के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। देखिए, ह्यूमैनिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, ह्यूमैनिटी आपको रखनी ही है। एट द सेम टाइम जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, मैं तो कहूँगा तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपके जो भी आंसर्स रहेंगे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीज़ें मेंशन की हैं, जो बेडरॉक पे बना है,
उसके अराउंड ही आपके आंसर रहें, जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए इजी रहता है और एक्सेप्टेबल आंसर मिलता है मोस्टली। तो मेरे जो क्वेश्चंस थे उसमें मैंने बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ किया था। ऐसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन एज ए वर्ड नहीं यूज़ किया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें हैं, जो बताया गया है, उसका रेफरेंस मैंने रखा था, ठीक है। और प्रिपरेशन जारी रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं खुद के अनुभव से ये बता रहा हूँ, बहुत रिग्रेट फील होता है अगर आपके हाथ में जो चांस है वो आप गवा बैठते हो। तो सबसे पहली बात तो टाइम आप कितना देना चाहिए इंटरव्यू के लिए, प्रिपरेशन के लिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि दिन के हार्डली 2 घंटे दीजिए, जिसमें आप आपके डेफ डेफ मतलब क्या है, जो आपके लाइफ की कहानी है, तो वो तो आपको पता ही है। तो वो ज़्यादा क्या प्रिपेयर करोगे आप, जो आपने किया है वही लिखा है। बहुत बार सजेस्ट किया जाता है कि डेफ में ऐसे चीज़ें लिखिए जिससे इम्प्रेस हो जाएंगे। अगर आपने नहीं किए तो आई विल सजेस्ट कि नहीं लिखना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि मेरा डेफ बहुत ही सिंपल था, मैं नॉर्मल स्कूल, नॉर्मल कॉलेजेस, ना कोई वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, ना कोई अलग अचीवमेंट है मेरे स्पोर्ट्स में वगैरह, तो ऐसा कुछ था ही नहीं मेरे डैप में। तो मैंने जो था वही लिखा, जो मैं करता हूँ, जो मैं हूँ, वही लिखना ज़रूरी है। क्योंकि इसका फ़ायदा ये होता है कि जब इनकेस पूछा भी जाता है तो आपके जेन्यून आंसर्स आते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा इंटरव्यू के मिथ्स अगर क्लियर करूँ, तो देखिए अटायर में ज़्यादा कुछ डिस्कस करने जैसा नहीं है। बहुत वीडियोस तो सिर्फ इसी पे बनती है कि क्या पहन के जाना है। अरे आप इंसान हो, आपको पता है क्या पहनना है, ठीक है। एक सूट सिलवा लीजिए अच्छे से, जो कलर आपको सूट होता है, ठीक है, बाकी उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा और जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है तो वो है कि स्ट्रेस आउट नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि बाहर आपको ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ऐसा पूछ सकते हैं, वैसा पूछ सकते हैं। देखिए जो भी पूछेंगे, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो ठीक है, सिर्फ एटीट्यूड थोड़ा कूल रखना है। कूल मतलब कैजुअल नहीं, दिमाग शांत रखना है, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको नहीं आता नहीं बोल दीजिए, सिंपल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उससे आपके मार्क्स कम होने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स मत निकाल दीजिएगा मुंह से कि वो कुछ आप पे ही बैकफायर हो जाए, ठीक है। इसके अलावा तो मैं तो कहूँगा 1-2 मॉक दे दीजिएगा। मॉक और एक्चुअल इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। मैंने जब मॉक्स दिए थे तो मैं थोड़ा डिप्रेस हो गया था कि मुझे बोला जाता था कि आपकी आवाज़ जो है बहुत सॉफ्ट है, आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं होती है, ऐसी कुछ चीज़ें मुझे बोली गई। लेकिन ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आप जैसे हो वैसे हो, आप ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते खुद को। आपके आंसर्स, आपका एटीट्यूड, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप स्टैंड कैसे लेते हो, मोस्टली क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो ऐसे रहेंगे कि आपको निगेटिव अपोजिट स्टैंड लेना है, निगेटिव नहीं सॉरी अपोजिट स्टैंड लेना ज़रूरी हो जाता है। आप वो अपोजिट स्टैंड लेके जस्टिफिकेशन देके स्टैंड रह सकते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम डायरेक्टली अभी ट्रांसक्रिप्ट पे आते हैं, ठीक, इम्पोर्टेंट फैक्टर जो था वो भाई एक ही था कि प्रिपरेशन स्टॉप मत कीजिए, ठीक है, बहुत रिग्रेट करोगे, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट पे आते हैं, मेरा जो बोर्ड था उसके चेयरमैन थे चौबे सर, वो एविएशन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी रह चुके थे। तो जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, आपको उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है, आपको सिर्फ चेयरमैन कौन है, उनका क्या बैकग्राउंड है, वही पता होता है, ठीक है। तो उसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करके भी कुछ फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि मैं तो
मेरा जो एक्सपीरियंस था यूपीएससी इंटरव्यू का, तो ये था कि मैं सिर्फ कन्वर्सेशन करके आया था, और जेन्युइनली जितना मैंने सोचा था, जितना मैं टाइम दे रहा था, जितने मैंने वीडियोस देखे थे, वहाँ जाके सब मिथ्स क्लियर हो गए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का इसलिए सोचा कि जो जेन्युइन एक्सपीरियंस है वो शेयर करना ज़रूरी है, रैदर देन एग्जैगरेट करना कि इंटरव्यू में ऐसा होता है वैसा होता है। ठीक, अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस अगर अभी ट्रांसक्रिप्ट के ज़रिए आपसे शेयर हो गई, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रूम के बाहर से। मैं रूम के बाहर बैठा था, स्ट्रेस आउट था ऑलरेडी, अंदर एक का इंटरव्यू चल रहा था, वो बंदा बाहर आया, उसने कुछ अलग चेहरा बनाया, मैं और ज़्यादा डर गया। मुझे लगा कि यार क्या होगा अंदर, क्योंकि इसके पहले मैंने सिर्फ SSB इंटरव्यूज़ दिए थे, और वहाँ पे क्या होता है कि आप एक रूम में एक ऑफिसर और आप दो ही लोग रहते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा एक एक्स्ट्रा ऑफिसर बैठते हैं, लेकिन वो कभी क्वेश्चन नहीं पूछते। यहाँ पे चार पांच लोग रहने वाले हैं, हर एक बंदा आपको देखने वाला है, क्वेश्चन पूछने वाला है, तो थोड़ा एक बंदा टेंशन में आ जाता है। तो फिर मैंने एंट्री की, ग्रीट किया हर मेंबर को, और परमिशन मतलब जैसे ही चेयरमैन सर ने मुझे परमिशन दिया बैठने के लिए, मैं बैठ गया। उसके बाद उनका जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो ये था कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और उन्होंने मेंशन भी किया क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। जैसे SSB में भी सेम क्वेश्चन पूछा जाता था कि मेंशन अबाउट योर बैकग्राउंड, एजुकेशन, योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, वर्क एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने उसी सीक्वेंस में मेरा आंसर तैयार करके ही रखा था, तो मैंने वो ही बता दिया। तो ट्राई कीजिए कि जो डैप में वही बताइए, उससे अलग कुछ मतलब बताना अगर ज़रूरी है तो ठीक है, नहीं तो मत मेंशन कीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यही है कि आपका बैकग्राउंड, आपके पेरेंट्स और आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर कुछ है, या इंटरेस्ट एंड हॉबीज, यही चीज़ें आपको मेंशन करनी है। उसके बाद जो मुझे सबसे पहले पहला क्वेश्चन पूछा गया इंट्रोडक्शन के बाद, और चेयरमैन सर ने ही पूछा, तो वो था कि अगर सपोज नेशंस नहीं रहते तो बॉर्डर्स नहीं रहते, बॉर्डर्स नहीं रहते तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहती, तो बॉर्डरलेस वर्ल्ड ज़्यादा बेटर है अभी के वर्ल्ड से, ऐसे उन्होंने मुझे पूछा। तो मुझे तो ये समझ गया कि उन्होंने स्टैंस रखा है कि बॉर्डरलेस वर्ल्ड होना चाहिए। देखिए, अभी मैं रहता हूँ इंडिया में, अभी है नेशन, मैं जिस सर्विस में जाने वाला हूँ वो है पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसका काम है बॉर्डर प्रोटेक्शन एंड इंटरनल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। अगर मैं कहता हूँ कि बॉर्डरलेस होना चाहिए तो ये ब्लंडर हो जाएगा मेरे साथ। तो ऑब्वियस है कि मुझे स्टिक रहना होगा कॉन्स्टिट्यूशन से। तो मैंने स्टार्ट ऐसे किया कि सर नेशन ये जो कंसेप्ट है ये 200 साल पुरानी है, और ह्यूमन नेचर ऐसा है कि ये इवोल्यूशन की तरफ जाता है। तो पहले किंगडम्स थे, एम्पायर्स थे, उसके बाद फिर नेशन स्टेट आए, तो ऑब्वियसली एक इवोल्यूशन है, ये डेवलपमेंट है ह्यूमन बींग्स की। और अगर हम पहले देखते हैं कि बॉर्डर नहीं थे, मतलब एम्पायर्स थे, तो वहाँ पे एक तरीके से बॉर्डरलेस ही था सब कुछ, तो तभी भी कॉन्फ्लिक्ट होते थे, और वो जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो जो एम्पायर में रहने वाले लोग हैं उनसे कोई उनसे रिलेटेड ही नहीं रहते थे, उनकी कोई सुनता नहीं था या उनका कोई कंसर्न नहीं रखता था। लेकिन आज के टाइम पे ये है कि जो पब्लिक है, जो पॉपुलेशन रहती है, उनका कंसर्न किया जाता है, और जो बॉर्डर इश्यूज हैं वो ऐसा नहीं है कि देश के हर दुनिया के हर बॉर्डर्स ही फाइट कर रहे हैं, मोस्टली तो पीसफुल बॉर्डर्स हैं, जो कुछ एक्सेप्शंस हैं वहाँ पे भी कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे प्रॉब्लम है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान है तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है जहाँ पे प्रॉब्लम फेस हो रहा है, इंडिया चाइना है तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है, तो और उसमें भी डायलॉग ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स काम कर रहे हैं रैदर देन फाइट्स। तो आई थिंक कि नेशन स्टेट्स रहने चाहिए, तो मैंने मेरा ये स्टैंड रखा।
उसके बाद फिर उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि पुलिस जो थर्ड डिग्री यूज़ करती है वो करना सही है, क्योंकि जो सेड पर्सन है जिसने क्राइम किया है उसको पुलिस मार के थर्ड डिग्री दे के पनिशमेंट तभी दे देती है, अगर प्रोसीजर से जाने की क्या ज़रूरत है। तो ऑब्वियस है कि मैं तो इसे डिनाई करूँगा। तो मैंने बोला कि सर नहीं, मारना ये ऑप्शन नहीं है और ये इनह्यूमन भी है। अगर सामने वाले बंदे ने क्राइम किया है वो इनह्यूमन बिहेव उसने किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस ने भी इनह्यूमन बिहेव करना है। हमारा काम है लॉ प्रोटेक्ट करना, तो प्रोसीजर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे भी उसे मार के कुछ फ़ायदा नहीं है, अगर मैं एविडेंस कलेक्ट नहीं करता हूँ तो वो फ्री हो जाएगा और वो सेम क्राइम करेगा या उससे भी बड़ा कर सकता है। अगर मैं मेरी पूरी एनर्जी एविडेंस कलेक्शन पे दे दूँ तो कोर्ट में एज पर द रूल्स उसे पनिशमेंट्स मिलेंगी, जो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो मैंने इस हिसाब से इसका आंसर दिया था। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि जैसे सिक्किम ये इंडिया का स्टेट बना तो भूटान क्यों नहीं बना। ठीक है, तो अभी पता तो था नहीं मुझे, तो मैंने बोला कि सर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन सिक्किम की पॉपुलेशन से ही डिमांड आई थी, लोगों से ही डिमांड आई थी, इसलिए इंडिया का स्टेट बना। भूटान से वैसे कोई डिमांड नहीं आई थी, मैंने ऐसे भी इतना ही बोला। और फिर उन्होंने पास ऑन कर दिया नेक्स्ट मेंबर को। जो नेक्स्ट मेंबर थे फिर उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ नेचुरल जस्टिस। मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता थी, तो मैंने पहले ट्राई किया, बाद में फिर मैंने बैकआउट कर लिया। मैंने बोला कि सर एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता है। तब चेयरमैन सर बोले कि इट्स ओके योगेश, कि अगर आपको नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्किप कर दीजिए, क्योंकि हमारा काम है क्वेश्चन पूछना, आपका काम है आंसर देना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन के आंसर दे पाए। तो वो क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद फिर सेम मेंबर ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि फोर्सेस में करप्शन होता है क्या। तो अभी मैं डायरेक्टली यस बोलूँगा तो ये प्रॉब्लम, नहीं बोलूँगा तभी प्रॉब्लम। तो मैंने रेफरेंस लिया, मैंने बोला कि सर जितना मैंने न्यूज़ में देखा है उस हिसाब से कुछ लेवल पे तो है। तो मैंने रेफरेंस ले लिया, खुद पे नहीं डाल दिया। तो उन्होंने बोला कि अगर आप ऑफिसर बनते हो तो आप करप्शन कैसे स्टॉप करोगे। तो मैंने बोला कि सर करप्शन एक लिंक होता है, मतलब बॉटम से अप से बॉटम ये कनेक्टेड रहता है, और मैं जब ऑफिसर बनूंगा तो मैं मिडल में कहीं तो सिचुएटेड होऊंगा, तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि मेरे एंड पे तो करप्शन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फिर मेरे जो नीचे वाली अथॉरिटी है उनको मैं रिस्ट्रिक्ट करूँगा सो दैट वो चेन ब्रेक हो जाए। तो अभी देखिए, करप्शन एक ऐसा टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हो सकता है, तो ट्राई कीजिए कि आप इसे एक कंसाइज्ड फॉर्मेट में रखिए। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे, सेम मेंबर ने क्वेश्चन पूछा, क्या गारंटी कि आप करप्ट नहीं रहोगे। तो अभी ये तो मतलब खुद के ईमान के जस्टिफिकेशन देने की बात हो गई थी। तो मैंने कहा कि सर देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने कॉलेज में फंड मैनेजमेंट का काम किया है इवेंट्स के दौरान, तो उस वक्त एक मेरे मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो फंड है इसे प्रॉपर यूज़ करना है, इसके हर एक पैसे का जवाब मुझे देते आना चाहिए, तो वो अकाउंटेबिलिटी मैं ध्यान में रखता था। ये एक फियर था कि कोई मुझे क्वेश्चन ना करे कि ये पैसा कहाँ गया है। तो वो मेरा माइंडसेट है सर, कि कोई डिग्निटी पे ना आ जाए जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू रुपीज़। और सेकेंड थिंग कि मैंने मेरे पेरेंट्स को देखा है, मेरे पापा को देखा है, गवर्नमेंट सर्विस में थे, और जितनी कमाई आती है उतने में ही लाइफ सेटिस्फेक्शन हो सकता है, तो वो एक पॉइंट मैंने मेंशन किया।
और उसके अलावा मैंने मेंशन किया कि सर ऑब्वियसली मैं अभी जो अपीयर हो रहा हूँ ये ऑफिसर पोजीशन के लिए हो रहा हूँ, और जितना पे स्केल है वो मेरे हिसाब से मेरी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए सफिशिएंट है, तो आई डोंट थिंक कि मैं कभी करप्शन करूँगा। तो देखिए, जस्टिफिकेशन देना आपका काम है, ज़्यादा एग्जागरेट मत करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो जहाँ पे आपको आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्लेरिफिकेशन देना रहता है, तो एग्जागरेट करने से अच्छा है सिंप्लिसिटी रखिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन था नेक्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर जो थे उन्होंने पूछा, वो मेरे डायरेक्टली ऐसे बैठे थे तो मुझे ऐसा देखना पड़ता था उनको। तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन था कि वृत्स कौन से हैं और कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है। तो जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी प्रिपरेशन आप स्टॉप मत कीजिए, क्योंकि आपको रैंडमली ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं फंबल हो गया था कि टाइम पे मुझे वृत्स सब याद नहीं हो रहे थे, तो मैं मतलब एक एक करके याद करके मैंने उनको बताया। बाद में फिर पॉलिटी मेरा एक स्ट्रॉन्ग रहा है तो मैंने एक्सप्लेन भी किया अच्छे से। फिर उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर कोई एग्रेसिव मॉब है, तो ये सिचुएशनल रिएक्शन क्वेश्चन था कि अगर कोई एग्रेसिव मॉब है और आप वहाँ पे कंट्रोलिंग इंचार्ज ऑफिसर हो और आपको ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि फायर खोलो, फायर कर दो, तो आप क्या करोगे। तो मैंने कहा कि सर सबसे पहले कि अगर मैं इंचार्ज हूँ तो मेरी अकाउंटेबिलिटी रहेगी आगे जाके, सो मैं पहले प्रोसीजर ही फॉलो करूँगा। मॉब अगर एग्रेसिव है तो सबसे पहले तो मैं वार्निंग दूंगा, उसके बाद उनके जो लीडर्स हैं उनसे बात करूँगा, स्टिल अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसके बाद फिर मैं लाठी चार्ज, वाटर कैनन, टेयर गैस का यूज़ करूँगा और फिर फाइनली फायर खोलूँगा, जिसमें भी पैलेट गन्स का यूज़ करूँगा और इंश्योर करूँगा कि मेरे कमांड में जो शूट कर रहे हैं वो वेस्ट के नीचे ही शूट करें, सो दैट किसी को सीरियस इंजरी ना हो। तो ये आंसर देने के बाद उनका जो क्वेश्चन था वो ये था कि फिर आप सीनियर की नहीं सुनोगे। तो मैंने ये कहा कि सर बाय ड्यू रिस्पेक्ट कि अगर सीनियर मुझे कहते हैं कि फायर ओपन करो, तो मैं पहले उनको कंडीशन एक्सप्लेन करूँगा और उनको कहूँगा कि सर मुझे पहले प्रोसीजर फॉलो करने दीजिए एंड देन आई विल गो फॉर दैट ऑप्शन। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन मेरा टैकल हुआ। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन था वो नेक्स्ट मेंबर, मतलब चार, तीन मेंबर और एक चेयरमैन, ऐसे चार टोटल मेंबर्स थे। तो जो लास्ट थे वो एक्चुअली लेडी थी, तो उन्होंने थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा मुझे। सबसे पहले क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि डू यू नो इमोशनल इंजीनियरिंग। तो अभी नाम से तो मैं गेस कर सकता था, स्टिल आई सेड कि नो। मैं तो मैम ने बोला कि ट्राई तो कीजिए, तो मैंने बोला कि इमोशनल इंजीनियरिंग मतलब कि ऐसे टेक्निक्स जिससे इमोशनल्स कंट्रोल हो सकते हैं या फिर इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है, उसे हम इमोशनल इंजीनियरिंग कह सकते हैं। तो वही था, सीधा उल्टा करके बता दिया बस। तो उन्होंने बोला फोर्सेस में इसका कैसे यूज़ होगा। तो मैंने मेंशन किया कि मैम जो फोर्सेस में जो काम करते हैं वो बहुत ही स्ट्रेस कंडीशन में काम करते हैं, घर से दूर रहते हैं, लोनली रहते हैं, तो बहुत बार इमोशनल इम्बैलेंसेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो एट दैट टाइम इमोशनल इंजीनियरिंग उनको हेल्प कर सकती है, जो टेक्नोलॉजीज हैं वो उनको हेल्प कर सकती है, सो दैट दे विल नॉट फील एलिनेटेड। जैसे कि अभी अगर हम कंसिडर करते हैं कि व्हाट्सएप वीडियो कॉल है, तो वो एक फीलिंग प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर पर्सन को कि वो कनेक्टेड है, तो ये भी एक उसी का पार्ट हो गया, ऐसे मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया।
फिर उनका मुझे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि रोल ऑफ मीडिया क्या है फोर्सेस में। तो अभी मीडिया के बारे में जब पूछा जाता है तो अभी अभी के हिसाब से तो हम सबको पता है क्या चल रहा है। तो मैंने ये कहा कि मैम पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। तो पहले तो मैंने निगेटिव बताया कि निगेटिव इन द सेंस कि मैम जिस तरीके से पोट्रे किया जाता है या फिर जैसे कि 26/11 मुंबई में जो इश्यू हुआ था मीडिया के थ्रू सब फुटेजेस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देख सकती थी, तो वो एक निगेटिव फैक्टर है मीडिया का कि कहीं तो रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। पॉजिटिव अगर देखें तो मीडिया ये फोर्सेस के जो अचीवमेंट्स हैं उन्हें प्रमोट करती है, एंड एट द सेम टाइम जो यंग जनरेशन है यंग जनरेशन को एक मोटिवेशन मिलता है तो ज्वाइनिंग मतलब यंग जनरेशन ज्वाइन करने के लिए एक अच्छा वे है मीडिया अगर हम देखें तो। अभी जब इन्होंने मीडिया मेंशन किया था तो मीडिया मतलब यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना है कि आप सिर्फ न्यूज़ मीडिया या फिर सोशल मीडिया, मीडिया मतलब जो इंटरेक्ट होता है पब्लिक डोमेन पे आपको उसी को कंसिडर करना है। ठीक है, तो यही है कि अगर माइन्यूट जो डिटेल्स हैं माइन्यूट जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अच्छे से सुनिए उसे अच्छे से इंटरप्रेट कीजिए तभी जाके आंसर दीजिए, क्योंकि अगर आपने रॉन्ग इंटरप्रिटेशन किया और आप आंसर दे रहे हो तो वो बैकफायर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन मिस हो गया मेरे से, चेयरमैन सर ने पूछा था कि इतने सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस क्यों हैं, आर्मी जैसे हम सिंगल क्यों नहीं रख सकते। तो वहाँ पे मेरा आंसर ये था कि सर आर्मी का एक स्पेसिफिक रोल है टू डिफेंड द नेशन फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, तो वो उसी के लिए ट्रेंड हुए हैं। तो अगर हम पैरामिलिट्री फोर्सेस देखें तो हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे स्टेट पुलिस की लिमिटेशंस हैं और उससे ज़्यादा कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है तो तब पैरामिलिट्री फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट होती है। और जो जो थ्रेट्स हैं हमें और जो जो अलग अलग सिक्योरिटी कंसर्न्स है उस हिसाब से हम एक सिंगल फोर्स ट्रेन नहीं कर सकते। जैसे कि नक्सलिज्म के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए एंड एट द सेम टाइम बांग्लादेश बॉर्डर एंड नेपाल बॉर्डर प्रोटेक्ट करने के लिए हम सेम ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते, या इवन इंडो टिबेटियन बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमें हर एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से फोर्स बनाई है और फिर हम उसी तरीके से उन्हें ट्रेन किया करते हैं सो दैट जो परफॉर्मेंस है वो बेटर रहे और टारगेटेड रहे। तो ये मेरा ओवरऑल ट्रांसक्रिप्ट था। तो अगर आप देखते हो तो इसमें मेरे डैफ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सिचुएशन रिएक्शन क्वेश्चन थे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस थे। ऑब्वियसली असिस्टेंट कमांडेंट बन रहे हो तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस आपके फील्ड से ना पूछ के अलग जनरल अवेयरनेस में ही पूछे जाए, ऐसा भी हो सकता है कि आपके डैफ में से ही आपको पूछा जाए। जैसे कि अभी मेरे फ्रेंड थे तो उन्होंने डैफ में मेंशन किया था कि उनकी हॉबी जिम करना है और वो उनके फिजिक से भी दिखता था, तो ऑब्वियसली उनको उनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया। आप कहाँ से बिलोंग करते हो उसके बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। मतलब मैं तो कह सकता हूँ कि मैं लकी भी था और अनफॉर्चुनेट भी था कि मेरे डैफ से कुछ पूछा नहीं गया। और जो क्वेश्चंस मुझे पूछे गए तो मैंने एक सफिशिएंट आंसर्स प्रोवाइड किए, सेटिस्फैक्टरी थे, तो मुझे भी अच्छा लगा कन्वर्सेशन करने के बाद। तो ये रहेगा, आप एक सिंगल माइंड से मत जाइए कि यहीं से आएंगे वहीं से आएंगे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कहीं से भी आने दो, आपकी रैशनैलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप क्या बोलते हो क्या सोचते हो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि नहीं याद आ रहा है। लेकिन ओपिनियन बेस अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे आपको ओपिनियन मेंशन करना ही होगा। और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप रेफरेंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन का लीजिए। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में बोल देते हो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इंटरव्यू में, ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखनी है। आप तभी ज़्यादा अच्छे से आंसर दे सकते हो जब आप आपका जो माइंड है उसे ओपन अप रखोगे, स्ट्रेस नहीं लेना है, ठंडे दिमाग से बैठना है, ठीक है, और कन्वर्सेशन कर रहे हैं ऐसे बिहेव करना है। क्वेश्चन आंसर्स चल रहे हैं ऐसे नहीं, आपको पूछा जा रहा है आप बता रहे हैं, आपको पूछा जा रहा है आप बता रहे हैं, नहीं आ रहा नहीं पता है, ठीक है। तो ऐसे आपको बात करना है। यूपीएससी के उस इंटरव्यू रूम में आप पे प्रेशर नहीं डाला जाता है, आपको कंफर्ट किया जाता है। अगर प्रेशर डाला भी गया तो आपको वहाँ से बाहर निकलने के लिए चांस भी दिया जाता है। कभी ऐसे आंसर्स मत दीजिए जिससे आप मुश्किल में आ जाए। जैसे कि अभी मतलब मैंने मतलब मेरे दोस्त थे तो उनको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि टफ जॉब किसका है, सीआरपीएफ का या सीआईएसएफ का। तो ऑब्वियसली उन्होंने सीआरपीएफ बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है, हर एक का टफ जॉब है। आप वहाँ पे जस्टिफिकेशन दीजिए कि सीआईएसएफ के अलग चैलेंजेस हैं, सीआरपीएफ के अलग चैलेंजेस हैं, ठीक है। सीआईएसएफ इंडिया के वो इंस्टॉलेशन प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो बहुत ही क्रिटिकल है, तो उनको माना कि उनको डे टू डे फाइट नहीं करनी है, लेकिन उनको हर सेकंड अलर्ट रहना है, ठीक है। तो रैशनलिटी मैं जो बार बार बोल रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप प्रिपरेशन आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट की जारी रखिए, आपका डैफ ओवरव्यू कर लीजिए और इंटरव्यू में ओपन माइंड रख के बैठिए, इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। एक या दो मॉक दीजिए, ठीक है। मॉक देने के फायदे ऐसे हैं कि आप में जो एनजाइटी का इश्यू है वो वहाँ पे थोड़ा क्लियर अप होता है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से आप मॉक में ज़्यादा आप पे प्रेशर डाल दिया जाता है। यूपीएससी बोर्ड इतना प्रेशर नहीं डालता है, ठीक है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में, कॉरपोरेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली आपके जॉब से रिलेटेड पूछा जाएगा। और अगर आप कोई वेल नोन इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली ही पूछा जाएगा। तो उसके बारे में आपको पढ़ के रखना है, पढ़ के मतलब आप तो काम ही कर रहे हो तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो है वो आपको जेन्युइनली बताना है। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपने डैफ में कुछ ऐसा लिखा है जो आप नहीं करते हो तो आप 100% उसको प्रिपेयर करके जाइए। क्योंकि होगा क्या, क्योंकि अगर आप आपकी पर्सनैलिटी जो है, आप जो करते हो उस पर पूछा गया तो आप बोल सकते हो, पर आप जो नहीं करते हो उसे प्रिपेयर नहीं करके गए तो आप वहाँ पे फंबल हो जाओगे। और ये दिखेगा कि ये तो समझ जाएगा कि ये आपने झूठा लिखा है, तो ऐसी चीज़ें मत कीजिएगा। तो इंटरव्यू का ओवरव्यू आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ये सब जेन्युइन मेरे इनपुट्स थे, यहाँ पे कोई एग्जैग्रेशन नहीं था। जहाँ पे मैंने मुझे नहीं आया क्वेश्चन का आंसर, मैंने वहीं पे आपको बता भी दिया कि मैंने नहीं बोला है, और जहाँ पे मुझे आंसर्स अच्छे से आते थे वहाँ पे मैंने आंसर अच्छे से दिए भी हैं। मेरा जो स्कोर था इंटरव्यू का वो 93 था, आपको स्लाइड में दिख भी जाएगा, मैंने शेयर भी किया है। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस आप के मन में आते हैं इंटरव्यू के रिलेटेड
तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहे और आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से इंटरव्यू क्लियर करें और आपका सिलेक्शन हो जाए। और इन केस नहीं होता है तो अगली की तैयारी अच्छे से रखिए, ठीक है? थैंक यू।